अमृता ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, सहारा इंडिया में फंसे लोगों का पैसा वापस दिलाने की मांग। बड़ी अपडेट दोस्तों दैनिक भास्कर से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट ताज़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों आज जो बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं ये शिवपुरी की है, जो अभी अभी 12 घंटे पहले हमें मिली है। अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि आज जो हम आपके लिए ये ताज़ा सहारा इंडिया की लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं क्या है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ताज़ा अपडेट। शिवपुरी के हज़ारों लोगों ने सहारा इंडिया में अपना पैसा निवेश किया था, जिसके बाद शिवपुरी में एजेंटों सहित निवेशकों का करोड़ों रुपया सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं, जिसके लिए कई बार कई शिकायत सहित सहारा इंडिया पर FIR की मांग भी उठाई गई, परंतु अभी तक सहारा के एजेंटों सहित निवेशकों को कोई राहत नहीं मिली है। जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर उनसे शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिले में सहारा इंडिया चिटफंड के निवेशकों को उनका फंसा पैसा वापस दिलाने की मांग की है। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजे गए पत्र में भाजपा नेता सुरेंद्र शर्मा ने उनसे आग्रह किया कि विगत दिनों मुरैना ज़िले में कैरालस, जोरा, संबलगढ़, अम्बा और पौरसा के लोगों ने आपसे मुलाकात की। यह सभी वे पीड़ित थे जिन लोगों का सहारा इंडिया कंपनी में पैसा निवेश है और कंपनी उनका पैसा वापस नहीं लौटा रही है। पुलिस और प्रशासन से शिकायत के बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा था, लेकिन आपके द्वारा न केवल उन लोगों की समस्या को गंभीरता से सुना गया था बल्कि तत्काल संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को इस संबंध में उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी आज की ताज़ा लेटेस्ट अपडेट। अपडेट पसंद आए तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको सभी को पता चल सके कि भाजपा सरकार इस वक्त निवेशकों के हक दिलाने में आगे आ चुकी है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय जय भारत। साइन आ रहा।